उत्तकपुर गांव में 4 महीने से उप स्वास्थ्य केंद्र बंद होने की वजह से 5000 की जनसंख्या वाले ग्रामीण लोगों को अपने इलाज के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। ये उप स्वास्थ्य केंद्र की क्या सिचुएशन है आपके की? बंद पड़ा रहता है। कितने दिन से है? 4 महीने से बंद। आपको क्या बीमारी है? मियादी। कितने दिन से हुआ है? 1.5-2 महीने। तो उसके लिए आपने कहाँ पे इलाज कराया अपना? हिंडौन। तो आपने कुतकपुर उप स्वास्थ्य केंद्र पे क्यों नहीं गए? बंद थे ना ना पे। आप हिंडौन इलाज कराने के लिए गए तो कितना पैसा खर्च हुआ होगा आपका? मैं तो बहुत दिन से इलाज करा रही हूँ, कभी 800 की आ रही है, कभी 900 की आ रही है। 5 दिन का पहुँचते हुए 5 दिन में पैसा तो खर्च होता ही है, लेकिन परेशानी कितनी होती है यहाँ से। ना तो कोई व्हीकल है हमारे पास आने जाने का, ना कोई बस का साधन है। 3-4 किलोमीटर जब जाते हैं तो हमें रोड पे पहुँचते हैं हम। क्या कारण है कि वो ANM आपके यहाँ पे उप स्वास्थ्य केंद्र को खोल नहीं रही है? नहीं खोलती है, मर्जी है उनकी, क्यों शिकायत तो कोई सुनता नहीं। कभी आ जाए कभी नहीं आ, पहले दिन हो गए हमारे बच्चे को 9-10 महीने, 9 महीने तो होगा, 7-8 साल का, तो इन्हें भूल गए ना आपस है जो आगे बुला। 9-10 महीने से टीका ही नहीं लगा आपके बच्चे? लग गए, मतलब 9 महीने के लगते ना, जो लग ही नहीं पा रहे। कितने पेशेंट पर डे के निकलते होंगे डिलीवरी के, टीकाकरण के? करीब निकलते हैं 10-12 पेशेंट हो जाते हैं। उनको कहाँ ले जाते हो, कितना इन्वेस्ट होता है? नॉन लेके जाते हैं, सारा दिन खराब हो जाता है। प्राइवेट दिखाना पड़ता है, अगर सरकारी में दिखाएं तो लाइन लगी रहे तो 2 दिन भी हो जाए, नंबर लगाए हुए 3 दिन भी हो जाए। उप स्वास्थ्य केंद्र पर ताला लगे नहीं होने की वजह से उप स्वास्थ्य के अंदर काफ़ी सारी घास कचरा भरा हुआ है, बीमारी तो ऑटोमेटिक ही फैल लिया है। उसी के साथ में वहाँ पे 6-7 TB के पेशेंट भी मिले, जब वहाँ ANM नहीं होगी तो पता कैसे चलेगा, जबकि ऐसी ऐसी खतरनाक बीमारियाँ गाँव के लोगों को है, उसके लिए उप स्वास्थ्य खोलना जरूरी है। करौली के मुख्य चिकित्सा अधिकारी अशोक जैन से निवेदन है कि वहां पर ANM को लगाया जाए। कारी का नंबर है 7464-220-150। सुनीता कसीरा, इंडिया अनहर्ड के लिए।